इसकी प्रोडक्शन तो आपने पिछले वीडियो में ही दिखाई, पर आज हम आपको उसके अंदर डलने वाली कुछ ऐसी सीक्रेट सामग्रियां बताएंगे जो शायद आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेंगे। दोस्तों, पान मसाला या गुटखा, बीटल लीफ, नीम, सुपारी, लौंग, इलायची, मीट और तंबाकू के मिश्रण से बनाई जाती है। तो जो चीज इसमें डलती है और वो आपको बताई नहीं जाती, वो है कांच के पाउडर। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। सबसे पहले तो सुपारी के फलों को टहनियों से अलग किया जाता है, बाद में महिलाएं इसके अंदर की गीली सुपारी निकालती हैं, बाद में इन सुपारियों को जहरीले लाल रंग में उबाला जाता है ताकि इन्हें खाने पर आपका मुंह भी लाल हो जाए। जब इनमें कलर अच्छे से मिल जाता है तब इन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, बाद में उसमें कत्था, चूना और बाकी सारी सामग्रियां मिलाई जाती हैं, और सबसे आखिरी में इसमें कांच की पाउडर मिलाई जाती है। इस पाउडर की वजह से जब कोई भी ये गुटखा खाता है तब उसके मुंह में छोटे छोटे खरोच आ जाती हैं। जब गुटखे का निकोटीन उस जख्म पर लगता है तब झंझनाहट सी महसूस होती है और नशा चढ़ता है। पर सोचिए, यही कांच आपके पेट में भी जाता है और वो वहां कितनी जगह को जख्म पहुंचा सकता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि इसके सेवन करना चाहिए या फिर नहीं।